वेलकम टू माय चैनल, आई एम कुनाल एंड यू आर वाचिंग कुनाल ब्लॉग्स। आज हम लेह की लोकल साइट एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे और सबसे पहले हम जाने वाले हैं शांति स्तूपा, उसके बाद जाएंगे हॉल ऑफ फेम देखने के लिए। हॉल ऑफ फेम से आगे बढ़ने पे गुरुद्वारा पत्थर साहिब और मैग्नेटिक हिल, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आज हम लेह के लोकल मार्केट्स को भी देखने वाले हैं। तो ये सब चीज आज इस वीडियो में हम देखेंगे, तो आइए चलते हैं सबसे पहले शांति स्तूपा। वहां से रॉयल फील्ड ड्राइव करके हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं और इस जगह का नाम है शांति स्तूपा। बाहर से ये देखने में इस तरह का लगता है, देखिए ये इस तरह का गुंबद इसका दिख। शांति स्तूपा 1991 में बन के तैयार हुआ था, जिसे जापानीज बुद्धिस्ट भिक्षु ग्योमो नाकामुरा ने बनाया था। ये बौद्ध धर्म में शांति का प्रतीक माना जाता है। देख सकते हो मेरे पीछे ये गुंबद सा जो दिख रहा है वही है शांति स्तूपा। तो यहाँ से सामने का व्यू भी काफ़ी बढ़िया अमेजिंग है। वहाँ पे पहाड़ियाँ दिख रही हैं। ये प्रति है रिफ्लेक्टर ग्लास लगा के यहाँ आई हुई है। भगवान बुद्ध का जो स्टेज रहा लाइफ का, उसके बारे में यहाँ चारों तरफ लिखा हुआ है। जैसे कि अगर आप देखें तो ये है उनका जो बर्थ हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो शांति स्तूपा में आने के बाद आप देखेंगे कि जब हम सामने की तरफ देखते हैं तो बहुत ही अमेजिंग व्यू है, और बिल्कुल स्नो माउंटेड पीक्स हैं सामने की तरफ और घाटी है, पहाड़ हैं लाल रंग के। तो ये सब मिलकर इस जगह को बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल बना देते हैं। बुद्धिस्ट मान्यता के अनुसार जो पवित्र आत्मा होती है, जो प्योर सोल होता है, उनका रीबर्थ नहीं होता है, और उसी को हम महापरिनिर्वाणा कहते हैं। जो भगवान बुद्ध थे वो एक प्योर सोल थे और वही यहाँ दर्शाया गया है। लेह सिटी में जहाँ शांति स्तूपा स्थित है उस जगह को चांसपा बोलते हैं, और शांति स्तूपा यहाँ का बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हम जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम देखने के लिए। हॉल ऑफ फेम बेसिकली एक मिलिट्री म्यूजियम है जो लेह कारगिल हाईवे पर स्थित है, और लेह एयरपोर्ट से इसकी दूरी 2 किलोमीटर है। तो हम लगभग पहुंच गए हैं हॉल ऑफ फेम में। इसका फ्रंट कुछ इस तरह से दिखता है, और इसके सामने की तरफ कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स लगी हुई है। इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक, और फिर 2 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है। बीच में 1 आवर का लंच ब्रेक है, तो अभी वो लंच ब्रेक का टाइम चल रहा है, तो थोड़ी देर रुक के हम फिर अंदर जाने वाले हैं और देखेंगे कि म्यूज़ियम में क्या क्या है हमारे लिए। तो अंदर आने के बाद हमें दिखता है कि जो कारगिल वार में या इंडिया पाकिस्तान वार में जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हुए थे, चाहे वो LMG हो, लॉन्चर्स हों, डिफरेंट टाइप्स के गन्स हों, वो सब यहाँ डिस्प्ले में रखी हुई है। अभी आप देख रहे हैं ये SLR राइफल्स हैं और ये लॉन्चर्स हैं। उसके बाद जब हम बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे शिलाखंड लगे हुए हैं जिस पे उन शहीदों के नाम लिखे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस देश के लिए कुर्बान की, और उनके लिए यहाँ पे एक संदेश भी लिखा हुआ है, ट्रिब्यूट टू आवर वॉर हीरोज़ ऐसा लिखा गया है। तो ये सब हमारे सन ऑफ सॉइल हैं और इनकी शहीदी को यहाँ याद किया जा रहा है। ये हॉल ऑफ फेम 2 फ्लोर में बटा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं AK-47 राइफल्स जो यहाँ डिस्प्ले में लगी हुई है। ये हॉल ऑफ फेम 2 फ्लोर में बटा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे लेह में कैसे सर्वाइव करते हैं लोग, उनके बारे में लिखा हुआ है। अभी हम लोग पहुँचे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब में, जो गुरु नानक देव जी की याद में बना हुआ है। ये जगह लेह सिटी से करीब 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 12,000 फीट है। यहाँ पे गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। जिसमें से एक है कि यहाँ पे एक राक्षस रहा करता था और जिसको सही रास्ते पे लाने में गुरु नानक देव जी का काफ़ी योगदान रहा।
तो उसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं यहां पे, और यहां लंगर भी चलता है और चाय भी सर्व की जाती है। गाइस हम लोग हैं अभी गुरुद्वारा पत्थर साहिब में, अभी गए थे हम वहां अंदर और चाय पी, और लंगर हम लोग नहीं खाया क्योंकि पहले ही खाना खा चुका था। तो अभी हम लोग जाएंगे मैग्नेटिक हिल की तरफ। अभी हूँ मैं, मैग्नेटिक हिल बोलते हैं इस जगह को, और कहा जाता है कि जो यहाँ पे अगर कोई गाड़ी एक बॉक्स बनी है वहाँ पे पार्क करते हैं तो उसमें कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपने आप आगे या पीछे की तरफ होने लगती है। तो ऐसा कुछ हमने तो महसूस नहीं किया, लेकिन ऐसा एक बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये एरिया डेजिग्नेटेड है मैग्नेटिक हिल के नाम से। तो देखते हैं कि ये चारों तरफ से दिखता कैसा है, सुंदर लग रहे हैं देखने से। इनका कलर भी समथिंग डिफरेंट है, और वहाँ पे ऊपर एक वो दूर में कहीं पहाड़ पे मैग्नेटिक हिल लिखा हुआ है, ये वाला। तो मैग्नेटिक हिल लेह सिटी से करीब 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और लेह करगिल हाईवे पे थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ से एक बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। लेह में है ये शाम का टाइम, और अभी हूँ मैं लेह मार्केट में। टेम्परेचर यहाँ पे हो रखी है 5 to 6 degrees, और अभी हम लोग लेह मार्केट घूमने के लिए निकले हैं। दिन काफ़ी हैक्टिक रहा, हम लोगों ने लेह में लगभग हर चीज़ कवर की, और अब लेह मार्केट घूमने के लिए निकले हैं। तो देखते हैं लेह मार्केट में क्या है यहाँ की खासियत और क्या चीज़ें हैं फेमस। तो आइए चलते हैं। यहाँ प्रति कुछ देख रही है खरीदने के लिए। जब भी हम किसी डेस्टिनेशन पे घूमने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें खरीदना चाहते हैं जो बाद में हमें उस जगह की स्वीट मेमोरीज़ को याद दिला सके। इस मार्केट में भी हम कुछ ऐसी चीज़ें खरीदेंगे जो बाद में हमें इस स्वीट मेमोरीज़ को याद रखने में हेल्पफुल रहे, और देखते हैं ऐसी क्या चीज़ मिलती है हमें यहाँ पर। ले मार्केट में तिब्बतन और बुद्धिस्ट मान्यता की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अवेलेबल है। कई सारी चीज़ें ऐसे मुझे देखने को मिली जो हमें नॉर्मल मार्केट्स में नहीं मिलती। और देखा जाए तो बहुत ही लंबा मार्केट एरिया है एक सामने की तरफ, और अभी मैं हूँ एक जॉइंट पे जो एल जॉइंट है वहाँ पे। तो इस साइड भी देखेंगे तो आप काफ़ी लंबा मार्केट एरिया है। अपने आप में बहुत ही यूनिक मार्केट है ये। कमान ना, प्रीति ने ले लिया है ये। इसका नाम क्या है? अच्छा, टिबेटन सिंगिंग बॉल ले लिया है। ये अलग अलग साइज में है, बहुत तरह के डिफरेंट साइजेस में है, और इस साइज से लेके जो है वहाँ जो सबसे बड़ा रखा हुआ है उस साइज तक है। मैं और प्रीति घूम रहे हैं यहाँ टिबेटन मार्केट में, और हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही अमेजिंग चीज़ें। तो अब प्रीति ने एक नया भोंपू पकड़ा है, और भोंपू बजाने की कोशिश कर रही है ये, देखते हैं इसे बजता है कि नहीं। यही था वो भोंपू जो हम बजाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ ज्वेलरीज, लग्जरी आइटम्स, स्कार्फ्स। ये मार्केट बहुत कुछ हमारे ड्रीम मार्केट जैसा है, क्योंकि वेदर काफ़ी कोल्ड है, और दोनों साइड बहुत अच्छी और डेकोरेटेड शॉप्स हैं, एंटिक पीसेस की शॉप्स हैं। तो हमारे लिए तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है इस तरह के मार्केट में घूमना। मैंने लिया है ये स्कार्फ,
ताकि जो पेंगोंग लेक है वहाँ पे टेम्परेचर करीब अभी 2 डिग्री तक चला जा रहा है, तो इसलिए ये स्कार्फ जरूरी था। कल हम लोग जाने वाले हैं नुब्रा वैली देखने के लिए। रास्ते में हमें मिलेगा खारदुंगला पास और वहाँ पे हमारे हमने देखा बर्फबारी भी, तो वो आप कल के वीडियो में देख सकते हैं। नुब्रा वैली में हमारा स्टे था टेंट हाउस में, वो भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। वहाँ पे हमने कैमल सफारी भी देखी, तो ये सब देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो पे आ सकते हैं। इसके अमेजिंग फोटोज आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।